हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस नई वीडियो में दोस्तों मैं आप सबको बताने वाला हूं दोस्तों अपने इस मोबाइल सेटिंग के बारे में। और आज की इस नई वीडियो में दोस्तों मैं आप सबको बताऊंगा दोस्तों कैसे दोस्तों आप अपने इन्फिनिक्स के मोबाइल में दोस्तों सिस्टम सेटिंग को यूज़ करोगे। और आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे डेट एंड टाइम सेटिंग। दोस्तों अपने फ़ोन में डेट एंड टाइम सेटिंग को कैसे सेटअप कर सकते हैं, उसको चेंज करना चाहते हो तो आप कैसे चेंज कर सकते हो, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा दोस्तों। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों आपको अपने फ़ोन में क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों फ़ोन की सेटिंग पे क्लिक कर देना। फ़ोन की सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करना है। और स्क्रॉल डाउन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो आपके फ़ोन में यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा सिस्टम सेटिंग का। सिस्टम सेटिंग पर क्लिक कर देना। सिस्टम सेटिंग पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको सेकेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है डेट एंड टाइम पर। ठीक है, डेट एंड टाइम पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप अपने मोबाइल में डेट और टाइम को सेट नहीं कर सकते जब तक आप इसको यहाँ पे यूज़ नेटवर्क प्रोवाइड टाइम पे क्लिक करके इसको ऑफ नहीं करोगे। दोस्तों अगर आपके फ़ोन में यहाँ पे ऑटोमेटिक टाइम जो है आपके फ़ोन में ऑन है तो आप इसको पहले ऑफ़ करो। अब दोस्तों आप डेट पे क्लिक करोगे, डेट को सेट चेंज कर सकते हो। जैसे दोस्तों आज 18 है, मैं इसको 19 कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। टाइम को दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोस्तों यहाँ पर अभी 10 AM हो रहे हैं, यहाँ पर 10:37 AM हो रहे हैं, तो यहाँ पर दोस्तों हम टाइम को कर लेते हैं PM में। ठीक है, तो AM तो पहले से ही है, PM कर लेते हैं टाइम को। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो टाइम को मैं कर देता हूँ यहाँ पे PM पे। आप दोस्तों ओके पे क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों आप ये देख सकते हो आपके फ़ोन में जो टाइम हो रहा होगा यहाँ पे आपको टाइम शो हो जाएगा 1 PM और दोस्तों डेट यहाँ पे मंडे 19 जून। दोस्तों इस तरीके से आप अपने फ़ोन में डेट एंड टाइम को सेट कर सकते हो। अब दोस्तों वापस से डेट एंड टाइम वाले पेज को ओपन कर लो आप वापस से, और स्क्रॉल डाउन करो। दोस्तों यहाँ पे टाइम जोन आपको दीजिएगा सेलेक्ट टाइम जोन। दोस्तों यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग जो भी टाइम जोन आप ऐड करना चाहते हो, जो भी यूज़ करना चाहते हो यहाँ पे ऐड कर लो। और दोस्तों अगर आपके फ़ोन में ऑटोमेटिक टाइम जोन ऑन रहेगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे टाइम जोन को सिलेक्ट नहीं कर सकते जब तक इसको ऑफ नहीं करेंगे, सिलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन दिखता है यूज़ 24 आवर फॉर्मेट का। दोस्तों अगर आप इसको ऑन करते हो अपने किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में तो दोस्तों आप देख सकते हो आपका जो टाइम है वो 1 PM शो नहीं करता है, वो 13 शो करता है, 13 मीन्स 1 PM। तो दोस्तों अगर आप अपने फ़ोन में ऑन करते हो 24 आवर फॉर्मेट सेटिंग को तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। दोस्तों इस तरीके से अपने फ़ोन में डेट एंड टाइम सेटिंग को सेटअप कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसको ऑफ कर दो, आपका टाइम दोस्तों वापस से AM PM में शो करेगा, देख सकते हो। दोस्तों कुछ इस तरीके से डेट एंड टाइम सेटिंग को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप दोस्तों लॉक स्क्रीन के लिए डुअल क्लॉक को ऑन कर सकते हो। और दोस्तों आप वापस से आप क्लिक कर दो यूज़ नेटवर्क प्रोवाइड टाइम पे। दोस्तों जो आपका टाइम पहले हो रहा था 10:37 हो रहे थे, 39 या 40 हो गए होंगे शायद से। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो जो टाइम आपका पहले फ़ोन में हो रहा था, डेट भी यहाँ पर ऑटोमेटिक सेट और टाइम भी यहाँ पर ऑटोमेटिक सेट है। दोस्तों इस तरीके से डेट एंड टाइम सेटिंग को यूज़ कर सकते हैं। मिलते हैं स्टूडियो में, बाय।